आज़म वाले की। चलिए हम एक और वीडियो लेकर आए हैं हम। चलिए आपको बताते हैं कि ये जो हम डिज़ाइन बना रखा है, ये लोगो बना रखा है, ये कैसे बनता है और कितना आसान तरीके से बनता है। हम इसमें यूज़ करेंगे कंट्रोल आर रिपीट का, रिपीट का जो कमांड है, एडिट में जाकर जाएंगे तो ये रिपीट का कमांड है कंट्रोल आर का, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और स्मार्ट फील का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। चलिए हम पहले ये वाला जो फर्स्ट बॉक्स जो डिज़ाइन रखा हुआ हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कितना आसान है बनाना। सबसे पहले हम जाएंगे इलिप्स टूल में, इसको हम करेंगे ड्रैग 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 ड्रैग, ठीक है, इतना काफ़ी है। हम क्या करेंगे फिर इसी पर दो बार माउस को प्रेस करेंगे, करने के बाद ये किस तरह का बन गया कि हम इसको यहाँ पर रखेंगे। हम करेंगे कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करेंगे हम, फिर माउस का राइट क्लिक कर देंगे, फिर हम करेंगे कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर 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 आर, ठीक है, हमारा ये बन के आ गया। हम अब इसमें यूज़ करेंगे स्मार्ट फील का, ठीक है, हम इस लाइन को स्मार्ट फील का यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है डिज़ाइन, ठीक है। हम जाएँगे यहाँ पर स्मार्ट फील है ये हमारा, हम पहले सबसे फर्स्ट इस पर क्लिक करेंगे, कलर 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 कलर, ठीक है, ये हमें हो गया। हम क्या करें सबको कर देंगे डिलीट, जितना बॉक्स है सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे इंटरेक्टिव फील टूल का, ठीक है, इंटरेक्टिव फील टूल का हम इसमें यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे इंटरेक्टिव फील टूल लाएंगे, हम इसको कर देंगे ठीक है। हम इस पर कलर करते हैं 100% सियान 100% मैजेंटा, ओके, ये हमारा ब्लू कलर का आ गया। हम इसको बस और इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, ठीक है। हम पे करेंगे कंट्रोल आर का रिपीट का ऑप्शन, रिपीट 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 रिपीट, ठीक है, रिपीट 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 और रिपीट रिपीट, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं आउटलाइन कर देते हैं नन, हम इसको कर देते हैं ग्रुप, ठीक है। हम इसे फिर तो माउस को दोबारा प्रेस करेंगे तो इस तरह का हमारा एरो बन कर जाएगा, फिर हम इसको रखेंगे यहाँ इस जगह पे सेंटर में बिल्कुल। हम इसको फिर कंट्रोल दबाकर इस तरह करेंगे ट्रैक, इसका मतलब ये हमारा सही जगह पे रखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम इसको जूम करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हम इसका तो माउस प्रेस करें उस करेंगे ट्रैक 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 ट्रैक, कंट्रोल आर का हमने यूज़ किया है, देखिए कितना खूबसूरत सा है कि हमारा बन के आ गया, ठीक है। कर देते हैं गुरु, इसको कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, ये हमारा बन के आ गया, ओके। अब हम बनाते हैं ये कैसे बनता है हमको ये बताते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इलिप्स टूल में दोबारा, हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे कंट्रोल टूल में जाएंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 0.08, हम कर देंगे इनसाइड 0.6, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे ब्रेक अपार्ट, करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, या इसका शॉर्टकट कमाना है कंट्रोल के, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में जाएंगे कर देंगे ब्रेक अपार्ट, ठीक है। फिर दोबारा इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम फिर दोबारा जाएंगे कंट्रोल टूल में, ठीक है, हम यहाँ पे कर देंगे 0.4, हम कर देंगे इनसाइड 4 की जगह पर हम कर देते हैं इसको 0.3, ठीक है, 3, ठीक है, उसे कर देते हैं 3, ठीक है, 3, ओके,
हम फिर ये क्या है, फिर ये कंबाइन हुआ, फिर हम इसको ब्रेक ऑपरेट करने के लिए वही शॉर्टकट कमाने कंट्रोल के ठीक, कंट्रोल के हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट ब्रेक अपार्ट, या फिर हम ब्रेक अपार्ट करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है ब्रेक अपार्ट का। अगर ये हमारा कंबाइन होता तो ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन वहाँ शो करता है। ठीक है, चलिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के आउटर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएँगे, पहले इस बॉक्स से वो सिलेक्ट करेंगे अंदर वाले बॉक्स को, फिर शिफ्ट दबाएंगे, फिर आउटर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, हम कर देंगे टॉप। ठीक है, फिर इसको हम एक बार कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, या एडिट में जाके कॉपी एंड पेस्ट इसकी, या फिर जो हमारे कीबोर्ड में प्लस का जो निशान होता है, प्लस का जो सिंबल होता है, प्लस का जो बटन होता है, उससे हम कॉपी कर सकते हैं। जो राइट हैंड की तरफ होता है बटन, क्या कहते हैं, 1 2 3 जो बटन उसकी तरफ होता है, तो हम इसको करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, हो गया कॉपी, फिर हम इसको कर देंगे इसके बॉटम। ठीक है, अब हम इन दोनों को कर देंगे ग्रुप, अंदर के जो बॉक्स को ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद फिर इसका हम करेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, एक और कॉपी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, इसको घुमाएंगे। घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन पर, हम यहाँ पर डाल देंगे 90 डिग्री, हम कर देते हैं इंटर। ठीक है, देखिए हमारा ऐसे बनकर आ गया, कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ बना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे माउस से डायरेक्ट करके, हम यहाँ ये आइकन जो आ रहा है अनग्रुप करने का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, या फिर हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यह ग्रुप, ग्रुप पर क्लिक करने के बस लास्ट में आ रहा है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर दिया, हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसमें डबल है, इसको हम कर देते हैं शिफ्ट पेज ऑप ऊपर करने के लिए। अब इसका जो है हम थोड़ा सा और साइज बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे क्या 74 है ना, हम इसको कर देते हैं 76 और 76। ठीक है, अब ये जो है ये 1.6 74, तो हम इसको कर देंगे ओनली 74, कर देंगे हम डिलीट, 4 कर देंगे डिलीट, ये जाएगा माइनस में। ठीक है, करते इंटर। ओके, हम टूल बॉक्स में पिक टूल के बाद शेप टूल आ रहा, इसके सारे क्या कहते हैं फीचर है, शेप टूल के जितने कमांड होते हैं ये है। उसके बाद जो हमारा आ रहा है क्रॉप टूल, उसके अंदर है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इस टूल को लिया, हम क्या करेंगे, हम इस पर कर देंगे डिलीट और ज़ूम करते हैं इसको, हम कंट्रोल जेड ज़ूम करते हैं ताकि हम, ठीक है, ये हो गया। यहाँ कहने वर्चुअल टूल पर जाएंगे, हम करेंगे इसको डिलीट, हमें इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ठीक है, हम इसको फिर ज़ूम करते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हम किसको क्या करना है। ठीक है, फिर हम ज़ूम आउट करते हैं, फिर हम वर्चुअल टूल पर जाएंगे, वर्चुअल टूल से हम इसको कर देंगे डिलीट, हम इस पर करेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट, ज़ूम करेंगे हम, फिर वर्चुअल टूल पर जाएंगे, वर्चुअल टूल जाने के बाद ठीक है, हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये हो गया हमारा लगभग तैयार। ठीक है, अब हम फिर करेंगे स्मार्ट टूल का, स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्मार्ट फिल। ठीक है, कर देते हैं स्मार्ट फिल। ठीक है, स्मार्ट फिल कर दिया,
हम इस सब को कर देते हैं, डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, ठीक है, एक रहने देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। अब जैसे काम हम क्या करेंगे, इसका फिर इसका इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। अभी इसका जो आउटलाइन है उसको उसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट, यहाँ पे ये आ रहा है उसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब हम फिर यूज़ करेंगे इंट्रैक्टिव फिल टूल का, ठीक है। हम इसको करते हैं ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे माउस से, फिर हम इसमें यहाँ जाएंगे कलर पे, हम यहाँ कर देते हैं 100% सियान, 100% मैजेंटा, ठीक है, इंटर। ऊपर की जानब करेंगे हम इसको, इसको जूम करेंगे और इसको इस तक करेंगे और इसको इस तक करेंगे, ठीक है। हम इस पर दोबारा माउस को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हमारा इस तरह का आइकन बन के आ गया एरो जैसा। फिर हम इसको इसके सेंटर में रखेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे ऐसे के, ठीक है, हम कर देंगे माउस का राइट क्लिक, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, ठीक, ओके। हम क्या करेंगे, हम इसका जो है आउटलाइन हम कर देते हैं नन, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया है तैयार, ठीक है। इसका हम एक और कॉपी करते हैं, माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर देंगे। हम इसमें कलर कर देते हैं, यहाँ पे कौन सा है, ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड एंड सियान, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो है ये हो गया है तैयार।